अक्स स्क्वायर प्लस बी अक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसके दो रूट होंगे अल्फा कोमा बीटा, और इसमें जो ए कोमा बी कोमा सी ये कोफिशियंट है, ये क्या है, कोफिशियंट है, और ये क्या है आपके, ये दोनों रूट्स हैं, ये दोनों क्या है, रूट्स। इन रूट्स और कोफिशियंट में हम रिलेशन देखने वाले हैं, इन रूट्स और कोफिशियंट में हम रिलेशन देखने वाले हैं। रिलेशन आपके सामने लिखा हुआ है, रिलेशन आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको किस तरीके से देखेंगे, किस तरीके से आता है, ये 10th क्लास की बातें हैं आपकी, ये 10th क्लास की बात है कि आपको डायरेक्ट बता दिया जाता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है, और इनका डिफरेंस क्या होता है, ये सारी बातें 10th क्लास में शॉर्ट तरीके से बता दी जाती हैं आपको कि याद कर लीजिएगा भाई, लेकिन आता किस तरीके से ध्यान से सुनिएगा। अल्फा को आपने थोड़ी देर पहले लिखा था, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस का रूट डी अपॉन 2a है, और बीटा आपने यहाँ लिखा था कि माइनस का बी माइनस का रूट डी अपॉन 2a होता है। सम ऑफ रूट करते हैं तो दोनों को जोड़ दिया जाता है, माइनस का बी प्लस का रूट डी अपॉन 2a, और प्लस माइनस का बी माइनस का रूट डी बाई 2a। अच्छा, इसका एलसीएम लेंगे तो यही आएगा 2a, यहाँ आ जाएगा माइनस का बी प्लस का रूट डी माइनस का बी माइनस का रूट डी। अच्छा, ये कैंसिल हो गया है, आपके पास यहाँ बना है माइनस का 2b अपॉन 2a, और ये भी कैंसिल हो गया है, तो ये बन गया है आपका माइनस का b बाई ए। सम ऑफ रूट ये आ गए हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करते हैं तो अल्फा की वैल्यू है आपके पास माइनस का b प्लस का रूट डी बाई 2a, और यहाँ आ गया है माइनस का b माइनस का रूट डी बाई 2a। यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये है a माइनस बी, और सॉरी ये a प्लस बी है, और ये है a माइनस बी, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे वाला हो जाएगा 4a स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर, फिर माइनस d का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका माइनस सॉरी प्लस का b माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे आपका 4a स्क्वायर है। जब इसको ओपन करोगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होता हुआ नजर आएगा, माइनस माइनस प्लस नजर आएगा, यहाँ आएगा 4ac, नीचे आएगा 4a स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो बचा है आपका c बाई ए, यही आपका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट आपका डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस को दुनिया वाले किस तरीके से लिखते हैं ये बात ध्यान से सुनिएगा, डिफरेंस को दुनिया वाले लिखते हैं रूट में इनका स्क्वायर, कभी भी जब मोड आ जाता है डिफरेंस, इसका मोड इसलिए लिया गया है क्योंकि ये पॉजिटिव आता है, तो आगे क्या होता है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। सर ये माइनस का 4 अल्फा बीटा आपने क्यों लिखा है, जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास समस्या आएगी, उस समस्याओं का समाधान करने के लिए हमने ऐसा किया है, क्यों, क्योंकि इसका ओपन करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा, और यहाँ अगर हमने 4 अल्फा बीटा लगा दिया है तो इसको हटाएंगे तो यहाँ आएगा 2 अल्फा बीटा, और इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये और ये सेम ही एक ही बात है। हाँ जी, तो इसको क्या करेंगे, इसका करेंगे अल्फा प्लस बीटा का क्या मतलब हुआ,
अल्फा प्लस बीटा का मतलब हुआ बी बाई एट का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा इंटू बीटा की बात हुई सी बाई ए। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस यहाँ हो गया है फोर सी, और मुझे नीचे ए स्क्वायर चाहिए तो मैं इसको फोर ए और सी लिख दूंगा, ऊपर इससे मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है मैंने कि नीचे ए स्क्वायर हमारा एलसीएम आ जाए और ऊपर बन जाए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को दुनिया वाले वही लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर? वही जो आप थोड़ी देर पहले लिख रहे थे, डी अपॉन ए स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा रूट डी अपॉन ए। अच्छा, ये रूट डी अपॉन ए है अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू रूट डी बाई ए। हाँ जी, ये इनका डिफरेंस आ गया है। आपको टेंथ क्लास में ये दो बातें याद दिलाते थे,